जानलेवा बीमारी के अटैक आना, इसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति महाराष्ट्र में मूल अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। जानलेवा बीमारी जैसा अटैक आना कि भाई उसको बोलते हैं पैनिक अटैक। यह अटैक ऐसा होता है कि उसको, वो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बस अभी मैं मरने वाला हूँ। ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर का एक प्रकार है जिसमें इतना पैनिक हो जाना, इतनी ज़्यादा मात्रा में पैनिक हो जाता हो, इतना डर जाता है, इतना घबरा जाता है कि उसको लगता है कि अभी अपना अंत आ चुका है और अभी अपन मरने वाले हैं। अब ये अटैक जो है ये कहीं भी आता है, मार्केट में आएगा, रोड पे आएगा, मॉल में आएगा, किसी के घर गए होंगे तो वहाँ आएगा, कब आएगा मालूम नहीं, और कभी भी सटाक एकदम अटैक आ जाएगा। और फिर वो ऐसा बार बार जब अटैक कभी भी आ सकता है, ये तो अटैक आने के बाद में उसे लगता है कि अभी मैं मरने वाला हूँ। उसमें होता क्या है कि एक तो अचानक तेजी से बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा डर, मतलब ये डर की भावना पैदा होती है, फियर बहुत ही ज्यादा। नंबर दो, तेज धड़कन होती है, धड़ 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 धड़, उसका हार्ट इतना पालपिटेशन करेगा कि उसको ऐसे ठोके सुनाई आते हैं, बहुत तेज धड़कन। नंबर तीन, सांस इतनी तेज चलती है, जोर जोर से और तेज सांस चलती है कि एक एक सांस लेने में उसको तकलीफ होती है और उसको बहुत जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। नंबर चार, उसका जी मचलाता है, उसको लगता है कि उल्टी हो जाएंगी, कुछ तो भी हो जाएगा, पेट में ऐसा गोला आ जाना। नंबर पांच, चक्कर आते हैं, उसको लगता है कि इसे सब पूरा घूम जाएंगे और अपन गिर जाएंगे, मर जाएंगे। नंबर छः, उसको ऐसा लगता है कि अपन अभी मरने वाले, मरने का डर, मर जाएंगे, अटैक आ जाएंगे, अभी डेथ हो जाएंगे अपना, ऐसा लगता है। और ये अटैक जो है वो अप्रॉक्सीमेटली एवरेज में 10 मिनट तक चलता है और 10 मिनट चलने के बाद में फिर वो धीरे 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 कम हो जाता है, और वो 10 मिनट तो उसको इतना एक एक सेकंड भारी लगता है वो व्यक्ति को, तो उसमें लगता है कि अभी मैं मर जाऊंगा। अभी ये अटैक के इसमें लोगों को ऐसा हो गया कि अटैक आएगा करके लोगों ने बाहर जाना ही छोड़ दिया। जिनको ये अटैक आता है, घर के बाहर निकलते नहीं, लोग घर में रहते हैं और वो देखते हैं कि भाई अभी फटाक से कहीं एडमिट हो गए, जल्दी जाके एडमिट होके जल्दी इलाज कर सके, ऐसे जगह वो रहते हैं, अपना मकान भी वहीं लेंगे कि हॉस्पिटल के पास में अपना रहना है, कुछ हो गया तो अपन वहाँ चले जाएंगे जल्दी जल्दी और अपना इलाज कर लेंगे। ये बीमारी की वजह से लोग अपना जॉब खो बैठे, क्योंकि वो जॉब जा ही सकते नहीं, घर के बाहर जाने का नहीं है, कहीं खरीदी के लिए बाहर मार्केट में जाने का नहीं, शॉपिंग नहीं है, कुछ नहीं है, घर में बैठे रहना और हरदम डरा हुआ इंसान कि भाई अभी कभी भी अटैक आएगा और मैं मर जाऊंगा। इसमें अटैक आने के पहले यदि क्लोनेजीपाम नाम की जो गोली आती है वो हम जबान के नीचे देते हैं रखने के लिए, तो अटैक वो अबॉर्ट हो सकता है, अटैक गायब हो सकता है। तो वो 0.25, 0.5, 1 मिलीग्राम माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट लेते हैं तो उससे बहुत फायदा हो जाता है। वैसे हम हिप्नोथेरेपी में क्या करते हैं, सम्मोहन उपचार जो देते हैं, हिप्नोथेरेपी उसको विजुअलाइज करने लगाते हैं और बार बार विजुअलाइज करने लगाते हैं। मैं हिप्नोटाइज करता हूँ उसको, विजुअलाइज करने लगाता हूँ, इमेजिन करने लगाता हूँ और धीरे 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 उसको डिसेंसिटाइज करते हैं, डिसेंसिटाइजेशन होता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी देते हैं और फिर मेडिसिन, तो ही मेडिसिन से डेफिनेटली फायदा होता है, नो डाउट, मगर वो जब तक मेडिसिन ले रहे तब तक मतलब लोगों को एडिक्ट हो गए लोग फिर इसके, तो उसके लिए फिर मेडिसिन जितना कम दे सके उतना अच्छा है। हिप्नोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बेस्ट ट्रीटमेंट है। थैंक यू वेरी मच।